अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चंद रोज़ पहले 14 अगस्त को एक अफसोसनाक वाक़ पेश आया था। मीनार पाकिस्तान की सहायता ले 400 लोगों ने आयशा इकराम को नोचने की कोशिश की, तो हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, ये बताएं कि अब तक कानूनी कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कानून जो है वो आपके साथ दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा साथ दे रहा है और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अच्छा, लोग जो काफ़ी सवाल कर रहे हैं रैम्बो के हवाले से कि वो शख्स कौन है जो आपके साथ टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाता था। रैम्बो 2.5 साल से 2 साल से मेरा टीम मेंबर है और हम मिलकर टिकटॉक और यूट्यूब्स की वीडियो बनाते हैं और हम इकट्ठे काम करते हैं और हमेशा इकट्ठे जाते हैं, शूट करते हैं। कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो गया, न बता। अच्छा, ये बताएंगे कुछ लोग जो है वो तनकीद के निशाना बना रहे हैं कि आप जब मीनार पाकिस्तान गए, पहले आपने ये प्लान किया, लोगों को इन्वाइट किया और इन्वाइट करने के बाद जब आप एंटर हुई आपको गार्ड ने रोका, लेकिन आप दोबारा फिर गई और वहाँ जाके फ्लाइंग किसिंग के इशारे किया आपने? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी गार्ड ने नहीं रोका और मेरा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। वो जिस ये सब फेक बातें हैं, मुझे कोई गार्ड नहीं मिला और किसी ने रोका नहीं है, ये सरासर फेक बातें हैं। और रही बात फेम की, तो मेरे ख्याल से दुनिया की फहाश लड़की भी, यहाँ हज़ारों टिकटॉकर्स हैं, जितनी हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है सब टिकटॉक बनाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक भी बंदा ऐसा ला के दिखा दें जो फेमस होने के लिए ये हरकत करे। ठीक है, अच्छा देंगे 15 तारीख को आप लोग ये कह रहे हैं कि आप घर में खामोश बैठी हुई थी, अपने इंस्टाग्राम पे आपने तस्वीर भी जो है वो अपलोड की, लेकिन अपलोड एक सवाल सिर्फ एक सवाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।